Hello students, in this lecture we will start next exercise representation of terms in AP. अब यहाँ पर अगर हमें तीन numbers AP में given हो, in general अगर हमें तीन numbers AP में given हो तो हम उनको assume कर लेते थे A, A plus D, A plus 2D, इस तरह से हमारे चलते थे number, कि D add करते रहते थे. अब यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे दैट इज़ अगर तीन नंबर एपी में गिवन है तो हम उनको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कंसीडर करेंगे. अगर चार नंबर हमें एपी में गिवन है तो उनको हम ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी कंसीडर करेंगे. आप देखोगे ये एपी में ही है, इनका डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करो डी है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस डी है, यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे कॉमन डिफरेंस 2d है, यहाँ पर भी इनका डिफरेंस 2d है. अगर इसी तरह हमें पांच नंबर एपी में गिवन हो तो हम उनको इस तरह से अज्यूम करेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a, a प्लस d, a प्लस 2d. इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वह ईजी हो जाए. आप अदरवाइज अगर तीन नंबर एपी में गिवन है तो आप ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी भी कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी. कुछ रिजल्ट है यहाँ पर. अगर कोई एपी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है, अगर उसमें हम हर टर्म में कुछ ऐड कर दे या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे या कुछ मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, तब भी वो जो हमारी सीक्वेंस होगी वो हमारी एपी में ही रहेगी. सपोज़ ये हमारी सीक्वेंस है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये एक एपी सीक्वेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो डी है. अब इस सीक्वेंस में अगर हम के ऐड कर दें तो सीक्वेंस हमारी बन जाएगी ए प्लस के, ए प्लस के प्लस डी, ए प्लस टू डी प्लस के, हर टर्म में हमने के ऐड कर दिया. अब भी आप देखोगे कॉमन डिफरेंस क्या रहा टी का, इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा डी. जब आप इस में से सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड टर्म को थर्ड टर्म में से तो भी डिफरेंस क्या आएगा डी, मींस अगेन ही एपी है. अगर कोई एपी गिवन है तो उसमें अगर हम कुछ कांस्टेंट के ऐड कर दे, कोई सेम नंबर हर टर्म में ऐड कर दे, तो जो रिजल्टेंट रहेगी वो भी एपी ही रहेगी. नेक्स्ट अगर इसी में से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, हमने के सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सीक्वेंस हमारी बन गई ए माइनस के, ए प्लस डी माइनस के, ए प्लस टू डी माइनस के. अब भी ये ए पी हैं, आप डिफरेंस लो डी आएगा, यहाँ से डिफरेंस लो आपका डी आएगा, मींस कॉमन डिफरेंस आपका वही रहेगा, अगेन ए पी आई अगर आपने सेम नंबर हर टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. सिमिलरली अगर आप के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपकी सीक्वेंस थी ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये आपकी सीक्वेंस थी, आपने इस सीक्वेंस में हर टर्म के साथ के मल्टीप्लाई कर दिया, के मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी सीक्वेंस ये बनी. अब आप ये देखो ये भी ए पी सीरीज़ है, के ए और के ए प्लस डी का डिफरेंस दो तो के डी आएगा. सिमिलरली के ए प्लस टू डी माइनस के ए प्लस डी करे तो अब भी हमारा डिफरेंस क्या आएगा, के डी आएगा. इट मीन्स अगर हम किसी सीक्वेंस को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दे, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी ए पी आएगी. इसी तरह से अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, अब भी आप देखोगे ये अगेन ए पी है, डिफरेंस लोगे डी बाई के आएगा, इनका डिफरेंस लोगे डी बाई के आएगा. सो आपको अगर कोई सीक्वेंस गिवन है, आप ए पी में है वो, तो आप उसमें कुछ कांस्टेंट हर टर्म के साथ चाहे ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, सीक्वेंस आपकी ए पी ही रहेगी. एग्जाम्पल करेंगे, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर. अब यहाँ थ्री नंबर्स गिवन है, थ्री नंबर्स गिवन है तो हम थ्री नंबर्स एज्यूम कर लेंगे ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, इनका सम गिवन है 24, इनका सम कर लिया a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये सम हमारा d से d कैंसिल हो गया, 3a आ गया और ये सम गिवन है 24, सो 3a इज 24, यहाँ से a की वैल्यू 8 आ गई. प्रोडक्ट गिवन है 440, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया a माइनस डी, a, a प्लस डी, ये प्रोडक्ट कितना है 440, दैट इज़ a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440, a इज़ 8, a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ए स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 64 माइनस डी स्क्वायर इज 440 ओवर 8, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके डी स्क्वायर 9 के इक्वल आ गया और डी की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस 3 एंड माइनस 3. ये हमने थ्री नंबर्स का सम गिवन था,
थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन था, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनी, यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आई, सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ से बनी, यहाँ पर ए हमने पुट करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब ए एट है तो डी की दो वैल्यूज आ रही है, पहले हमने थ्री कंसीडर किया, व्हेन ए इज़ एट डी इज़ थ्री, तो जो हमारी तीन नंबर बनेंगे, तीन नंबर हमारे ये थे ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, तो ए एट है, डी हमारा थ्री है, तो नंबर हो जाएगी एट माइनस थ्री फाइव, एट और इलेवन, ये तीन नंबर आ जाएगी। अगर ए एट है डी माइनस थ्री है, उस केस में जो हमारे नंबर बनेंगे एट प्लस थ्री, इलेवन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एट, थर्ड नंबर ए प्लस डी, ए प्लस डी इज़ एट माइनस थ्री, दैट इज़ फाइव, इस केस में हमारे नंबर ये आ गए। ये तीन नंबर ऐसे हैं जिनका सम हमारा 24 है और जिनका प्रोडक्ट 440 है। नेक्स्ट एग्जांपल, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज़ 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35, फाइंड द नंबर्स। तीन नंबर्स का सम गिवन है, तीन नंबर्स हैं तो हम थ्री नंबर्स जो कंसीडर करने हैं वो हम ले लेंगे ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। आप ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी से भी कर सकते हो, वहाँ से आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। थ्री नंबर्स ले लिए हमने, थ्री नंबर्स का सम 9 है तो a माइनस डी, ए ए प्लस डी इज 9। नेक्स्ट क्या गिवन है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है 35, इनके स्क्वायर्स कर लिए हमने, a माइनस डी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए प्लस डी होल स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 35। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज 9, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस डी होल स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, 3 प्लस डी होल स्क्वायर इज 35। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डी इज प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू 3 है तो डी की दो वैल्यूज आ रही है 2 एंड माइनस 2, व्हेन ए इज 3 डी इज 2, तब जो हमारे तीन नंबर्स आएंगे वो हमारे हो गए ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ये तीन नंबर्स हैं, ए को हम इनमें 3 पुट कर देंगे और D को 2 पुट कर देंगे, तो जो हमारा नंबर आ गया 3 माइनस 2 3, 3 प्लस 2, दैट इज़ 135। नेक्स्ट A 3 है तो D की वैल्यू माइनस 2 भी आ रही है, तो जो हमारे थ्री नंबर्स बनेंगे दैट इज़ A माइनस डी, A A प्लस डी, 531। तो जो हमारे नंबर हैं वो आ गए 135 एंड 531। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज़ 224 एंड लार्जेस्ट नंबर इज़ 7 टाइम द स्मॉलेस्ट, फाइंड द नंबर्स। हमें गिवन है तीन नंबर्स का प्रोडक्ट 224 है, तीन नंबर ए पी में है, हमने तीन नंबर कंसिडर कर ली, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन लार्जेस्ट नंबर इज़ 7 टाइम स्मॉलेस्ट। हम सपोज कर लेते हैं ए प्लस डी हमारा लार्जेस्ट है, ए प्लस डी लार्जेस्ट है तो ए प्लस डी हमारा 7 टाइम्स स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हमने सपोज कर लिया a माइनस डी, तो a प्लस डी इज 7 टाइम्स a माइनस डी के इक्वल हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई जो ये गिवन थी, एक ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 224, इनका प्रोडक्ट ले लिया a माइनस डी, a a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट है 224, तो यहाँ से हमारा आ गया a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 224। और यह जो नेक्स्ट कंडीशन थी, यहाँ से हमारा आ गया a प्लस डी इक्वल टू 7a माइनस 7d, यहाँ से 8d हमारा 6a के इक्वल आ गया, d की वैल्यू हमने a की टर्म्स में लिख दी, d इज़ 3a बाय 4, यहाँ d की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये और एक ये, इन दोनों से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, d को हमने a की टर्म में लिख दिया, यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर आपका 9 ए स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 224। इसको सिंप्लीफाई कर लिया एलसीएम लेके, a इंटू 7 ए स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 224, ए क्यूब इज 16 इंटू 224 ओवर 7, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 क्यूब करोगे तो यही आएगा, ए क्यूब 8 क्यूब के इक्वल है, तो a की वैल्यू हमारी 8 आ गई, a 8 आ गया, d इज 3a बाय 4, a की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दी, तो d की वैल्यू हमारी 6 आ गई। नेक्स्ट इज इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस 4b³ प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ba² प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी ए पी में गिवन है, हमें ये प्रूव करना है, हमने यहाँ पर क्योंकि क्यूब ओपन करने होंगे इसलिए हमने फर्स्ट नंबर a है तो सेकंड नंबर a प्लस डी एज्यूम कर लिया, थर्ड नंबर हमने a प्लस 2d एज्यूम कर लिया। आप a माइनस डी, a a प्लस डी भी कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट होल क्यूब ओपन करना है,
ए क्यूब प्लस फोर बी क्यूब प्लस सी क्यूब में वैल्यू पुट कर दी. ए क्यूब प्लस फोर बी क्यूब इज़ ए प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ ए प्लस टू डी क्यूब, दिस इज़ ए क्यूब. यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. यहाँ इसको ओपन कर दिया, ए प्लस डी होल क्यूब का ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर डी प्लस थ्री ए डी स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, दिस इज़ ए क्यूब प्लस टू डी का क्यूब करोगे एट डी क्यूब आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर डी एंड थ्री ए डी स्क्वायर ये टर्म आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट प्रोडक्ट कर दिया, फोर ए क्यूब ट्वेल्व ए स्क्वायर डी फोर डी क्यूब, फोर डी क्यूब इज़ दिस फोर ए क्यूब और ए क्यूब आपका फाइव ए क्यूब हो गया. देन दिस इज़ ट्वेल्व ए डी स्क्वायर एंड दिस इज़ ए क्यूब प्लस ए डी क्यूब प्लस सिक्स ए स्क्वायर डी प्लस ट्वेल्व ए डी स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लिया इसको. अब राइट साइड कंसीडर करिए, राइट हैंड साइड हमारी ये है, बी को पुट कर दिया ए प्लस डी, सी को पुट कर दिया ए प्लस टू डी, दिस इज़ थ्री इंटू ए प्लस डी. यहाँ ए प्लस टू डी होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर प्लस फोर ए डी, दिस इज़ टू ए स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर प्लस फोर ए डी. प्रोडक्ट कर दिया, पहले ए से कर दिया इस टर्म को, ए से पहले प्रोडक्ट कर दिया, दिस इज़ टू ए क्यूब प्लस फोर ए डी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर डी. देन डी से कर दिया तो टू ए स्क्वायर डी प्लस फोर डी क्यूब प्लस फोर ए डी स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपकी राइट साइड आ गई. राइट साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था. सो ए क्यूब प्लस फोर बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा इक्वल हो गया थ्री बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.